अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। अभी लेके चला है ना, नहीं मालूम लिफाफे का नाम नहीं है। आप कहोगे कि मेरे को भी मालूम है तो मेरे को भी नहीं मालूम, आप पूरे दिन हमारे हो जाते। दूर से बना ले वीडियो, चलो दूर से बना लो। एक दो भैया बैटमैन देखिए राय शुमारी ये गुप्त तरीके से करवाई गई है और राय शुमारी में 198 लोग अपेक्षित थे जिसमें 155 लोग उपस्थित हुए और 43 लोग अनुपस्थित रहे। तो ये जो रिपोर्ट है वो हाईकमान को जाएगी और ये बहुत गुप्त रिपोर्ट है और इसके बारे में हम लोगों को भी नहीं पता है। प्रक्रिया क्या थी राय शुमारी में, किस तरह से तीन नाम लिए गए हैं? ऐसा बताया जा रहा भाई साहब कि 62 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन दिया है सांसद पद उम्मीदवारी के बारे में, क्या कहना आपका? इसके बारे में हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है। हम लोगों को तो 198 लोगों की लिस्ट दी गई थी, उनको बुला के तीन तीन नाम लेना था। अच्छा, कितने आवेदन आए कितने नहीं आए ये हाई कमान को मालूम होगा, प्रदेश स्तर पर मालूम। वर्तमान में भी बीजेपी के सांसद हैं जैसे कि अनेक सीटों पर, फिर राय शुमारी की क्यों जरूरत पड़ी? अब ये पार्टी की रूटीन प्रक्रिया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है जहाँ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का मत बड़ा अमूल्य मत होता है। तो ये लोकतंत्र केवल भारतीय जनता पार्टी में ही है और हम सब गर्व करते हैं कि हम ऐसी पार्टी के हम सब लोग कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं। तो वर्तमान सांसद जी के लिख रहे हैं विरोध भैया, अब ये इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ये सब पार्टी का हाईकमान निर्णय करता है, हम लोग तो एक डाकिये की तरह हैं। मतलब पिछली बार जिस तरह से ये रायशुमारी हो रही है, लेकिन कहा यह जाता है कि जो भी आता है ऊपर से ही सारी इन्फॉर्मेशन आती है और सारे फैसले आते हैं, तो ऐसे में ये रायशुमारी का वजन लगती है? अगर ऐसा होता तो फिर रायशुमारी क्यों करती जी? तो रायशुमारी में लिखित रूप से नाम लिया या कुछ चर्चाएं भी हुई? लिखित रूप से नाम लिया। आप किसको भेजेंगे ये रायशुमारी? ये प्रदेश अध्यक्ष जी के पास जी। ठीक है, धन्यवाद। सांसद पद का आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसके उम्मीदवारी के लिए क्या कुछ आपका कहना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? भारतीय जनता पार्टी की जो पंचनिष्ठा है उसमें एक आधार है लोकतंत्र। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की समर्थक है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र है। यहाँ पर प्रत्येक कार्य लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया का पालन करके ही होता है। देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र में आगामी प्रत्याशी कौन होगा इस बारे में रायशुमारी हुई है, प्रत्येक व्यक्ति की राय जानी गई है। पार्टी का हमारा
नेतृत्व, हमारा प्रदेश का नेतृत्व, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उस रायशुमारी के आधार पर तय करेगा कि देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र का आगामी प्रत्याशी कौन होगा। और हमारा नेतृत्व जो तय करता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता नेतृत्व का आदेश का पालन करते हुए अपने काम में लग जाता है। उसी संबंध में आज रायशुमारी हुई थी और मैंने भी अपनी राय वहाँ पर व्यक्त की है। दायित्व को लेकर कितने आश्वस्त हैं? मैं किसी भी दायित्व को लेकर कुछ आश्वस्त नहीं हूँ। मैं केवल भारतीय जनता पार्टी के आदेश पर काम करने वाला एक सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जब जब मुझे जिस जिस काम के लिए आदेश दिया, मैंने हमेशा वो काम किया है। आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी जो आदेश मुझे देगी, मैं उसका पालन करूंगा और उसका पालन करने के लिए पूरा तरह से तत्पर हूँ। बीजेपी में 62 उम्मीदवारों के लिए नाम आए और कांग्रेस अभी भी उम्मीदवार तलाश रही, इस पर आपका क्या कहना है? जो प्रतिपक्ष दल है, कांग्रेस की स्थिति पूरी तरह से खराब हो चुकी है। कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पे खड़े होकर इस बात की गुहार कर रहे हैं कि हमको भारतीय जनता पार्टी में ले लो। सौदेबाजी करते हैं, हमें यहाँ से टिकट चाहिए, हमें वहाँ से टिकट चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिस भी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में लेती है, वो उसके व्यक्तित्व के आधार पर, उनके पुराने काम के आधार पर लेती है। कांग्रेस पूरी तरह से खत्म होने की कगार पे है। आने वाले लोकसभा चुनाव का परिणाम ये होगा कि कांग्रेस 40 सीटों के भी अंदर जाकर सिमट जाएगी। निश्चित रूप से देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी नहीं है, और जो प्रत्याशी आएगा उसका क्या हश्र होने वाला है ये सभी लोग जानते हैं। शुमारी के माध्यम से पदाधिकारियों से चर्चा करते हुए नामों की पैनल, 3 नामों की पैनल प्राप्त कर रहे हैं, और आज इस पैनल को प्राप्त करने के लिए हमारे प्रदेश के सांस्कृतिक मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी और हमारी प्रदेश की मंत्री लता वानखेड़े दीदी आज देवास आए हैं। और देवास साजापुर संसदीय क्षेत्र के चारों जिलों के 8 विधानसभा के पदाधिकारियों को यहाँ आमंत्रित किया है कि वे आएँ और 3 पैनलों के माध्यम से अपनी राय प्रदेश संगठन को, और उसके बाद प्रदेश संगठन के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व के पास वो सारे नाम जाने वाले हैं, और उसके बाद जल्द ही 29 तारीख को जो लोकसभा क्षेत्र में बैठक होने वाली है दिल्ली में, उसमें उन नामों की घोषणा भी हो सकती है। वर्तमान में भाजपा के ही सांसद है तो रायशुमारी की जरूरत क्यों पड़ रही है? निश्चित रूप से लोकतंत्र, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र की परिभाषा को सार्थक करने के लिए हर कार्यकर्ता, हर नेता को अपनी बात संगठन तक पहुंचाने के लिए रायशुमारी एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से प्रत्येक कार्यकर्ता अपने मन की अभिव्यक्ति संगठन को बता सकता है, और उस आधार पर संगठन उन सब की राय के आधार पर संगठन निर्णय लेता है, और जो संगठन निर्णय लेता है वो सर्वोपरि निर्णय होता है, उसके लिए सब मिलकर काम करने लगता है। मतलब टिकट ये जो है बदला भी जा सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, टिकट बदलना कोई स्थानीय स्तर पर इसकी कोई बातचीत भी नहीं है, पर ये चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है कि सबसे राय शुमारी लेकर अपनी बात संगठन तक पहुंचाने का एक माध्यम है। कितने आवेदन अभी तक आ चुके हैं सांसद पद उम्मीदवार को लेकर? मेरे पास 62 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं देवास साजापुर संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार को लेकर। सब ने अपने अपनी अभिव्यक्ति के साथ मोदी युग में कैसे वो आहुति दे सके इसको लेकर सब लोग पूर्ण विजय का संकल्प लेकर आवेदन कर रहे हैं, और निश्चित रूप से लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि वे आवेदन के माध्यम से अपनी बात संगठन को रखते हुए प्रदेश संगठन तक हम पहुँचाएँ, और उन्होंने अपनी बात रखी है, और उसी आधार पर आज रायशुमारी के माध्यम से पैनलों को बनाकर हमारे जो पर्यवेक्षक आए हैं वो ले जाकर प्रदेश संगठन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। कांग्रेस को लेकर आपका क्या कहना है? जो पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, उनके बारे में कहा जा रहा है, शहर अध्यक्ष ने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। भाजपा में 62 आवेदन आए हैं और कांग्रेस को अभी भी प्रत्याशी की तलाश है, क्या कहना है? क्योंकि ये मोदी युग है और नरेंद्र भाई मोदी जी के युग में कांग्रेस समाप्ति की ओर है। कांग्रेस के पास न तो कोई उम्मीदवार है, न कोई नीति है, कोई न निर्धारण है, सिर्फ वो चुनाव में कैसे अपनी उपस्थिति दर्ज कराए इसके लिए भी वो उम्मीदवार ढूंढ रही है। और मैं तो आज आपके माध्यम से भी इतना ही कहना चाहता हूँ कि सज्जन वर्मा बहुत वरिष्ठ नेता है, देवास साजापुर संसदीय क्षेत्र से एक बार सांसद भी रहे। मैं ना खुला चैलेंज और निमंत्रण देता हूँ कि वे आए और देवास साजापुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़कर अपनी उपलब्धि हासिल सिद्ध करें। धन्यवाद। एक मिनट, एक मिनट।